दोस्तों जब आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देखते हो तो वीडियो के बीच में बताता रहता है कि आपको आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो पे क्लिक करके मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी वीडियो के अंदर आप इस तरीके से आई बटन कैसे लगा सकते हो। तो सारा कुछ को मैं आज का वीडियो के अंदर आपको क्लियर दिखाने वाला हूँ, इसलिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो। मेरे चैनल पर पहली बार आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल पर हमेशा मैं आपको यूज में आती है वीडियो लाता रहता हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुनील, सभी का स्वागत करता हूँ आज का एक न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो को कर लेते हैं हम सर। दोस्तों आपकी वीडियो के अंदर आई बटन लगाने के लिए आपका मोबाइल के अंदर आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो मेरा मोबाइल के अंदर अभी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया, फिर आपको youtube.com सर्च कर लेना है। youtube.com सर्च करने के बाद आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा क्रोम में। फिर आपको इस तरीके से 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर आपको नीचे की तरफ आके डेस्कटॉप साइड पर क्लिक कर देना है। मैं डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करता हूँ, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है कंप्यूटर जैसा। फिर आपको साइड में आपके चैनल का लोगो पर क्लिक करना है। मेरे चैनल का लोगो पे मैंने क्लिक किया, फिर आपको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ अभी इसको। फिर आपको यूआर चैनल पे क्लिक कर देना है। मैं दोस्तों यूआर चैनल पे क्लिक करता हूँ, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपको कस्टम चैनल पे क्लिक करना है। तो मैं दोस्तों कस्टम चैनल पे क्लिक करता हूँ, फिर मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है आपका। इस तरीके से स्टूडियो वाइट स्टूडियो आपका क्रोम में ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी कुछ ओपन हो रहा है studio.youtube.com। तो अभी इसको ओपन होने देता हूँ। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, फिर आपको साइड में आपके वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं कुछ अभी वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, मेरी वीडियो वाला ऑप्शन पे। दोस्तों आपको वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने आपकी सभी वीडियो आ जाएगा। फिर आपको जिस भी वीडियो के अंदर आपको इस तरीके से आई बटन लगाना है, इस वीडियो को आपको ओपन कर लेना है। तो मेरी कुछ इस वीडियो को मैं अभी ओपन कर लेता हूँ, फर्स्ट बार मेरी लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों मैंने कुछ इस वीडियो को ओपन कर लिया। फिर दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग सारा कुछ लगा सकते हो इस तरीके से क्रोम से आप। फिर आपको इस तरीके से साइड में आके एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख लोगे ऐड स्क्रीन और आपको कार्ड का, आपको कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी मैंने कार्ड वाला ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक किया, आप देख सकते हो। कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। फिर आपको इस तरीके से वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस तरीके से वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ मैं फर्स्ट में, इस तरीके से। फिर आपके सामने आपकी सभी वीडियो फिर से आ जाती है। तो इस तरीके से अभी ओपन इसको होने देता हूँ। फिर आपकी वीडियो आपके सामने सभी आ जाती है। आपको जिस वीडियो को आई बटन में लगाना है, इस वीडियो को इस तरीके से आपको ले लेना है। तो मेरी कुछ इस वीडियो को मैंने ले लिया दोस्तों। दोस्तों फिर आपके सामने आपकी वीडियो के अंदर इस तरीके से आई बटन आ जाएगा, आप देख सकते हो। फिर आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। मेरे वीडियो के अंदर अभी आई बटन आ गया है, आप देख सकते हो ऊपर की साइड में। फिर इस तरीके से आप आई बटन लगा के सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके वीडियो के अंदर इस तरीके से आई बटन दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपके वीडियो के अंदर आप आई बटन कैसे लगा सकते हो। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दूसरे एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।